चाणक्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बात दूसरे वर्ल्ड वॉर की है। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही जापान की स्थिति कमज़ोर होने लगी। ऐसे में उसने अमेरिका को बर्बाद करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई। जापानी पायलट दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर अपना प्लेन क्रैश कर देते थे। जापानी पायलटों के इस सुसाइडल अटैक को ही कामिकाजे कहा जाता है। देखा जाए तो ये पायलट्स दुनिया के पहले आत्मघाती हमलावर थे। वर्तमान समय में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए इसी स्ट्रेटजी को अपनाया है। इसके तहत रूस यूक्रेन के कई शहरों में ईरानी कामिकाजे घातक ड्रोन से हमला कर रहा है। इस ईरानी कामिकाजे घातक ड्रोन ने कीव में कई स्थानों को निशाना बनाया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये ड्रोन आखिर काम कैसे करते हैं। ये छोटे बिना चालक वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं। इन्हें दुश्मन के किसी टैंक या सैनिकों के समूह खत्म करने के लिए भेजा जाता है। ये दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नज़र आता है। टारगेट से टकराने के बाद ज़ोरदार धमाका करते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ईरान के कामिकाजे को शहीद 136 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न ड्रोन अपने टारगेट पर हमला करने के लिए ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद लेते हैं। यह दूसरे ड्रोन की तुलना में सस्ते भी होते हैं। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन ड्रोन को आसानी से ऑपरेट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किन किन देशों के पास कामिकाजे ड्रोन उपलब्ध हैं। रूस, चीन, इजराइल और तुर्की के पास कामिकाजे ड्रोन हैं, लेकिन अमेरिका का कामिकाजे ड्रोन इन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस है। अमेरिकी कामिकाजे ड्रोन सबसे सस्ते हैं और इनके दो वेरिएंट हैं, स्विच ब्लेड 300 सुसाइडल ड्रोन और स्विच ब्लेड 600 सुसाइडल ड्रोन। स्विच ब्लेड 300 सुसाइडल ड्रोन का वज़न मात्र 2.26 किलोग्राम होता है। यह 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसे सामान्य बैग में भी ले जाया जा सकता है। वहीं स्विच ब्लेड 600 का वज़न 22 किलोग्राम तक होता है। यह 40 से 45 मिनट तक हवा में रह सकते हैं और ये लाइटरिंग वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वो हथियार है जो दुश्मनों के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नज़र आता है। ये मिसाइल और ड्रोन का मिक्स होता है। इसके साथ ही आज हमने इस टॉपिक पर पूरी बातचीत कर ली है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।